दोस्तों हमारे सामने 2005 के मॉडल की ऑल्टो वी एक्सर गाड़ी आ चुकी है। हमारे सामने 2005 के मॉडल की सेंट्रो गाड़ी आ चुकी है। हमारे सामने एक और गाड़ी आ चुकी है, 2003 के मॉडल की गाड़ी है। दोस्तों हमारे सामने 2005 के मॉडल की ऑल्टो वी एक्सर गाड़ी आ चुकी है और अभी आपको गाड़ी की ओवरऑल कंडीशन वगैरह दिखा देता हूं। आप गाड़ी के ये टायर वगैरह देखने, पहले टायर से हमें गाड़ी की कंडीशन बिल्कुल ओके देखने को मिल जाती है। और अगर मैं आपको गाड़ी का फ्रंट लुक वगैरह दिखाऊँ, आप गाड़ी का ये फ्रंट लुक वगैरह देख सकते हैं भाई लोग। और अभी आपको गाड़ी की ओवरऑल कंडीशन वगैरह दिखा देता हूँ, भाई ने गाड़ी कैसे मेंटेन वगैरह करके रखी हुई है। और अगर हम गाड़ी के टायरों की बात करें तो आप गाड़ी के टायर वगैरह देख लें भाई लोग, टायर की कंडीशन में हमें बिल्कुल ओके कंडीशन में देखने को मिल जाते हैं। और अभी आपको गाड़ी के अंदर से कंडीशन वगैरह दिखा देता हूँ, भाई ने गाड़ी कैसे मेंटेन वगैरह करके रखी हुई। तो डोरों की बात करें तो आप गाड़ी के ये डोर वगैरह देख लें भाई लोग, डोर से हमें गाड़ी की कंडीशन बिल्कुल ओके कंडीशन देखने को मिल जाती है। और अभी आपको गाड़ी के अंदर से सीट्स वगैरह दिखा देता हूँ, आप ये गाड़ी की सीट्स वगैरह भी देख लें भाई लोग। माशाल्लाह से भाई सीट्स भी हमें गाड़ी की ओके कंडीशन में देखने को मिल जाती हैं। आगे वाले डोरों की बात करें तो आप गाड़ी के आगे के डोर वगैरह भी देख लें भाई लोग, आगे के डोर से भी हमें गाड़ी की कंडीशन ओके दिखने को मिल जाती है। और अगर हम गाड़ी की सीटों की बात करें तो आप गाड़ी की सीट्स वगैरह भी देख लें भाई लोग, सीट से हमें गाड़ी की कंडीशन बिल्कुल ओके दिखने को मिल जाती है। आप गाड़ी की सीट्स वगैरह देख लें। इंटीरियर डैशबोर्ड की बात करें तो आप गाड़ी का ये इंटीरियर डैशबोर्ड वगैरह भी देख लें भाई, इंटीरियर डैशबोर्ड से हमें गाड़ी का कंडीशन बिल्कुल ओके और डिसेंट सा लुक हमें देखने को मिल जाता है। अभी आपको गाड़ी का इंजन रूम वगैरह दिखा देता हूँ। तो इंजन रूम की बात करें तो आप गाड़ी का ये इंजन रूम वगैरह देख लें भाई लोग, इंजन रूम की कंडीशन कुछ इस तरह से हमें देखने को मिल जाती है। और अभी आपको आगे की भी कंडीशन वगैरह दिखा देता हूं, लाइक कूपे वगैरह देख लें आप गाड़ी के। तो अभी जिन भाई की गाड़ी है, भाई से कॉन्टेक्ट करते हैं, भाई से पूछते हैं कि गाड़ी कौन सी है और वो डिमांड वगैरह क्या कर रहे हैं। 2005 का मॉडल है, अल्लाह वाला करे इसके मैं 6-15 डिमांड कर रहा हूँ। ठीक, 6-15 डिमांड कर रहे हैं। डॉक्यूमेंट सिविल सी टैक्स से क्लियर है? सब क्लियर है। इंजन अपना है गाड़ी का? इंजन अपना है। शावर है या टचअप है? ऊपर से शावर है। ठीक है, अंदर से सारी जेनी है। ठीक हो गई। और पेट्रोल इंजन दोनों पे? सिर्फ पेट्रोल पे। सिर्फ पेट्रोल पे। 1 लीटर में कितना देरी अंदाजा? तकरीबन 13-14। एसी वर्किंग में? एसी वर्किंग। डिमांड दोबारा बताइएगा? 6-15। फाइनल कितने तक छोड़ देंगे, मतलब कमी बेशी हो जाएगी? 19 कमी बेशी हो जाएगी, 19। ठीक हो गया। अपना नंबर शेयर कर दें। मेरा नंबर है 03172918019। लोकेशन का? लोकेशन कोरंगी क्रॉसिंग। थैंक यू सो मच। भाई ने गाड़ी के बारे में काफ़ी तफसीलात वगैरह बता दी, गाड़ी मैंने आप लोगों को दिखा दी। अगर आपको गाड़ी पसंद आए तो भाई से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। शुक्रिया। तो दोस्तों हमारे सामने 2005 के मॉडल की सेंट्रो गाड़ी आ चुकी है और अभी आपको गाड़ी की कंडीशन वगैरह दिखा देता हूँ। आप गाड़ी का ये फ्रंट लुक वगैरह देख लें भाई, माशाल्लाह से गाड़ी तो हमें काफ़ी प्यारी दिखने को मिल जाती है। और अगर हम गाड़ी के टायरों की बात करें तो आप गाड़ी के ये टायर वगैरह भी देख लें भाई लोग। और अभी आपको गाड़ी का ओवरऑल लुक वगैरह दे देंगे, भाई ने गाड़ी कैसे मेंटेन वगैरह करके रखी हुई। आपको गाड़ी का मैं पीछे से लुक वगैरह दिखा देता हूँ। अगर हम गाड़ी के पीछे वाले टायरों की बात करें तो आप गाड़ी के पीछे वाले टायर वगैरह भी देख लें। अभी आपको गाड़ी के अंदर से कंडीशन वगैरह दिखा देता हूँ, भाई ने गाड़ी कैसे मेंटेन वगैरह करके रखी हुई। अभी आपको गाड़ी के डोर वगैरह दिखा देता हूँ, आप गाड़ी के ये डोर वगैरह देख लें भाई लोग। आई होप आपको सही से डोर नज़र आ जाए, धूप वहाँ से काफ़ी सारी होती तो कभी कभी नज़र नहीं आ रहा होता। खैर, तो अभी आपको गाड़ी के सीट्स वगैरह भी दिखा देता हूँ, आप गाड़ी की सीट्स वगैरह देख लें भाई लोग। सीट से गाड़ी की कंडीशन वगैरह, ये स्पीकर वगैरह देख सकते हैं आप लोग। अभी आगे के डोर वगैरह देख लें, सीट्स वगैरह देख लें। इंटीरियर डैशबोर्ड की बात करें तो आप गाड़ी का ये इंटीरियर डैशबोर्ड वगैरह देख सकते हैं। और अभी आपको गाड़ी का इंजन रूम वगैरह दिखा देते हैं, उसके बाद जिन भाई की गाड़ी है, भाई से कॉन्टेक्ट करवा देता हूँ। अभी गाड़ी का ये इंजन रूम वगैरह देख लें, तो अभी जिन भाई की गाड़ी है, भाई से कॉन्टेक्ट करते हैं, भाई से पूछते हैं कि गाड़ी कौन सी और वो डिमांड वगैरह क्या कर रहे हैं। तो जिन भाई की गाड़ी है, भाई हमारे साथ है, भाई से कांटेक्ट करते हैं, भाई से पूछते हैं कि गाड़ी कौन सी, वो डिमांड क्या कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई जान। भाई जी, गाड़ी के बारे में तफसीलात वगैरह बता दीजिएगा। भाई 2005 मॉडल है, पूरी ओरिजिनल गाड़ी है। ठीक है, ठीक है। इसकी डिमांड 7.5 की डिमांड है। 7.5 की डिमांड है। डॉक्यूमेंट सिविल सी टैक्स क्लियर है? डॉक्यूमेंट सिविल सी वगैरह सब क्लियर है, टैक्स वगैरह सब पेड है इसका। एसी वर्किंग में? हां, किस ऑन है में? पेट्रोल सिंजी दोनों पे? पेट्रोल पे, सिर्फ पेट्रोल पर है। 1 लीटर पेट्रोल है। 1 लीटर में कितना देरी अंदाजा? तकरीबन 12-13। ठीक हुई। गाड़ी में किसी किस्म का काम आपको कोई लगता? भी काम नहीं, पूरी ओरिजिनल है। एक बम्पर ये सामने का मैंने कलर कराया है। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या पूरी ओरिजिनल है, पीछे वाला बम्पर भी जेन्युइन है, सेकंड ऑनर गाड़ी है, बड़े तरीके से नाम। डिमांड क्या कर रहे हैं भाई? 7.5 लाख। कमी पीछे होगी अगर कोई बंदा आता? अपना नंबर शेयर कर दें। नंबर लिखिए 03472005021। लोकेशन कहाँ की? नॉर्थ नाजाबाद ब्लॉक के। आपका नाम? जाहिद। थैंक यू। जाहिद भाई ने अपना नंबर वगैरह बता दिया, मैंने गाड़ी दिखा दी। अगर आपको गाड़ी पसंद आती है तो जाहिद भाई से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। शुक्रिया।
तो दोस्तों हमारे सामने एक और गाड़ी आ चुकी है, 2003 के मॉडल की गाड़ी है और अभी आपको गाड़ी की ओवरऑल कंडीशन वगैरह दिखा देता हूँ। अभी गाड़ी के ये टायर वगैरह देख लें भाई लोग और अभी आपको गाड़ी का फ्रंट लुक वगैरह दिखा देते हैं। आगे से हमें गाड़ी की कंडीशन थोड़ी सी ये इस तरह से देखने को मिल जाता है, डेंट वगैरह देखने को मिल जाता है और अभी आपको गाड़ी की ओवरऑल कंडीशन वगैरह दिखा देता हूँ। मैंने गाड़ी कैसे मेंटेन वगैरह करके रखी हुई है। अगर हम गाड़ी के पीछे वाले टायरों की बात करें तो आप गाड़ी के ये पीछे वाले टायर वगैरह देख लें भाई लोग और आप गाड़ी के बैक की कंडीशन वगैरह देख लें और अभी आपको गाड़ी की बलिनो गाड़ी है और अंदर से भी गाड़ी की कंडीशन वगैरह दिखा देता हूँ। अगर हम गाड़ी के डोरों की बात करें तो आप गाड़ी की डोर वगैरह देख लें भाई लोग, डोर की कंडीशन वगैरह देख सकते हैं। आप गाड़ी की सीट्स वगैरह देख लें भाई लोग, सीट्स की कंडीशन वगैरह भी देख सकते हैं और अभी आपको गाड़ी की आगे से भी कंडीशन वगैरह दिखा देता हूँ। मैंने गाड़ी कैसे मेंटेन वगैरह करके रखी हुई है। अगर हम गाड़ी के आगे के डोरों की बात करें तो आप गाड़ी के आगे के डोर वगैरह देख लें भाई लोग, आगे की डोर की कंडीशन वगैरह देख सकते हैं और अभी आपको गाड़ी का इंटीरियर डैशबोर्ड वगैरह दिखा देता हूँ। अभी गाड़ी का इंटीरियर और डैशबोर्ड वगैरह देख लें, आगे की सीट्स वगैरह भी देख सकते हैं। आपको गाड़ी का इंजन वगैरह दिखा देता हूँ। अभी आपको गाड़ी का इंजन वगैरह दिखा देता हूँ। आप गाड़ी का ये इंजन वगैरह देख लें भाई लोग, कौन सा मॉडल तो अभी जिन भाई की गाड़ी है भाई से कांटेक्ट करते हैं, भाई से पूछते हैं कि गाड़ी कौन सी वो डिमांड क्या कर रहे हैं। तो जिन भाई की गाड़ी है भाई हमारे साथ है, भाई से कांटेक्ट करते हैं, भाई से पूछते हैं कि गाड़ी कौन सी वो डिमांड क्या कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई जान, भाई जान गाड़ी के बारे में तफसीलात वगैरह बता दीजिएगा। गाड़ी बहुत 2003 मॉडल है, अपने इंजन पे है, ठीक है, टायर वगैरह बिल्कुल क्लियर है इसके, ठीक है, ओरिजिनल नंबर प्लेट टैक्स वगैरह सब कुछ क्लियर है, अप टू डेट चीज है, थ्रू आउट पेट्रोल गाड़ी है, ठीक है। बाकी आप कंडीशन आपने दिखा दी, दिखा दी। एक लीटर में कितना दे रही है दादा? यार ये 12 से 13 दे रही है, ठीक हो गया। एसी वर्किंग में देखिए, एसी वर्किंग में बिल्कुल ठीक हो गया। और इंजन अपना गाड़ी का? इंजन अपना शावर टचअप पीस ठीक हो गया। अंदर से जेन्युइन है इंजन अपना गाड़ी का? इंजन अपना है, ओनर नंबर प्लेट अवेलेबल है, ठीक हो गया। ओनर कितने गाड़ी के? ओनर जो है 3 है इसके, 3 हो रहे। अच्छा जी ठीक हो गया। डिमांड क्या कर रहे हैं गाड़ी की? डिमांड 6 पीस कर रहे हैं और फाइनल मतलब फाइनल जो कॉल करेंगे इंशाल्लाह तो उस पे जो होगा 19-20 का, ठीक होगा, ठीक। अपना नंबर शेयर करिएगा। नंबर मेरा है 0346-270-5804। आपका नाम? अहमद नाम है। लोकेशन? लोकेशन नॉर्थ कराची सेक्टर 11। थैंक यू सो मच। भाई ने गाड़ी के बारे में काफ़ी तफसीलात वगैरह बता दी, गाड़ी मैंने आप लोगों को दिखा दी। अगर आपको गाड़ी पसंद आए तो भाई से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। शुक्रिया।